अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त रमीज़ रमज़ान और आपको आज जो है दिखाने जा रहा हूँ पाक फ़ौज का एक सब इंस्पेक्टर नुमान कैसर, जो बीआरबी नहर में डूबकर जान भाग हो गए थे, तो उसकी ये एक यादगार बनाई गई है। ये इधर बीआरबी नहर है जी, ये इधर दिखाएं जी, ये बीआरबी नहर है और इसको जो है क्रॉस करते हुए जो है पाक फ़ौज का सब इंस्पेक्टर नुमान कैसर वो शहीद हो गया था और ये इसकी यादगार बनाई गई है। मैं कैमरा मैन को कैसा ये जो है जी, ये जो है पाक फ़ौज के नौजवान की नुमान कैसर जो सब इंस्पेक्टर था पाक फ़ौज में, बीआरबी नहर को क्रॉस करते हुए इधर शहीद हो गए थे। इसकी डेट बताई गई थी सुबह 6 बजे के करीब जो है बीआरबी नहर में जामे शहादत किया था और इसको ये यादगार को तमीर करने वाले जो थे सतलुज रेंजर के लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान जुनजवा ने इस यादगार को बनाया था जी, ये पाक फ़ौज का है। और ये मेरे दोस्त जो है असद उमर साहब हैं, वज़ीर कानून और वज़ीर दफा हैं जी, इन्होंने जो है बहुत कोशिशों के बाद मेरी मिन तरला की कि जी आप आएँ और बीआरबी नहर के किनारे जो यादगार है सब इंस्पेक्टर नुमान कैसर की, लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करवाएं, लोगों को पता चलेगी पाक फ़ौज के नौजवानों की कुर्बानियों के बारे में। और ये सामने जो है 1 किलोमीटर करीब दूर जो है वो पाक इंडिया बॉर्डर है जी, और ये बीआरबी नहर के किनारे नुमान सब इंस्पेक्टर की जो पाक फ़ौज का नौजवान था शहीद हो गया था। पाक फौज जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान।